हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अनी DIY टैक में। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो कुछ अलग है, हटके है, कुछ नया है। और वो क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये मैंने कार्डबोर्ड और एक लकड़ी के टुकड़े को पहले काट रखा था, उस पर मैंने फॉर्म अपने हिसाब से काट के चिपकाया है। अब मैं इस पर कोई थोड़ी रेत लगाऊंगा। रेत जो आप अपने मकानों में बनाने के लिए ना रेती लाते हैं, मैंने वही यूज़ करी है, कोई स्पेशल रेती नहीं। मैंने तो उसे छाना भी नहीं यार छानने मैंने सोचा था कि उसे छान लें, लेकिन बाद में या इसको करने के बाद में मेरे को याद आया कि यार इसे छान लेते तो थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद कागज़ जैसा दिख रहा है, ये अपने घर में पॉलीथीन आती है, पॉलीथीन वाइट कलर की पॉलीथीन, उसे काटा है। बस इतने शेप जो मैंने ना कार्डबोर्ड काट रखा उसके शेप में काटा और उस पर चिपका दिया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और बड़ी बात कर रहा हूँ तो भी क्या कर लोगे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये मैंने वाइट कलर में हल्का सा ब्लू कलर मिला के स्काई ब्लू बनाया और उसको कलर कर दिया। ये तो बच्चा भी कर लेता है, आजकल कर लेता है ना। पूछ लेना अपने आसपास वाले बच्चों से कि कर लेगा कि नहीं कर लेगा, और नहीं कर ले तो फिर मेरे को बताना, मैं करवा दूँगा अब अपना अगला स्टेप आता है। ये मैंने बच्चों से चुराई हुई आइसक्रीम स्टिक्स थी, लोगों के बच्चों की आइसक्रीम छुड़ा के भागता हूँ मैं। आजकल नया बिजनेस शुरू करा है मैंने मजाक कर रहा था। ये इसको मैंने ब्राउन रंग में कलर करके काट लिया, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं इसको फायर जलाते हैं ना उस शेप में इसमें लगा रहा हूँ, और कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड काम नहीं कर रहा हूँ अगर आपको स्टैंडर्ड काम करना है तो आप असली आग लगा सकते हैं अपने घर देखिए मैंने इसको फायर शेप में बस ग्लू उसमें ग्लू में चिपका दिया, और कुछ भी नहीं करा है। अब अपना अगला स्टेप्स है इसमें छेद करने का ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बस एक सिंपल सा छेद कर लीजिए गोल शेप में, ताकि अच्छा लगेगा आपको भी, बाद में जाके पता लग जाएगा। अभी से जानने की क्या लगी है। ये मैंने वाइट कलर में है ना कुछ बना रहा हूँ, ये भी आपको आगे पता लगेगा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सब पहले से बता दूंगा तो आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा वीडियो बीच में छोड़ के जाए, समझ गए। कोई नहीं छोड़ के जाएगा, सब बैठे रहेंगे पूरा देख के जाएगा इसीलिए मैंने ना आज पहले नहीं बताया अपना जो भी था बनाने का प्रोजेक्ट। लोगों को क्या है मज़ा आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा लाइट वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं करते हैं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे स्टेप्स लेके। ये मैंने ग्लू से इसको इस पर चिपका दिया लकड़ी के इस पर। इससे क्या है ये थोड़ा तेज चिपक जाता, अगर मैं फेविकोल लेता तो थोड़ा टाइम लगाता, इसलिए मैंने सोचा चलो होता है कर लेते हैं नहीं अब इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ ही होंगे, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन चलता है ग्लू गन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी वाली नहीं है, लेकिन ये इससे भी काम चला हुआ है। मेरे को ग्लू गन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे कुछ चिपकता तो ही नहीं, बिना बात ही है ना, जगह जगह ग्लू गन लगाने से क्या फ़ायदा। अब मुझे यहाँ पे ग्लू गन ये देखिए एकदम लग रहा है ना वाटर जैसा, वाटर मतलब बीच का ही सीन बना रहे हैं, अब तक तो आपको पता लग ही गया हो। ये हमने बिठा दिया अपनी नचनिया मतलब एक डांसिंग डॉल थी मेरे पास, इसको मैं लगा दिया। थोड़ा सा बीच का सीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए, देखिए कितनी मेहनत करी होगी मैंने इसको लगाने के लिए। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार। ये इसी रेत में से निकलने वाले शंख होते हैं, स्टोन होते हैं, वो मैंने ले आया था उसी में से छाना, रेती में से निकाला है,
और इस पर एक शेप देके चिपका दिए। ये छोटे छोटे फ्लावर है ताकि थोड़ा सा अलग लुक आ जाएगा, और क्या है, नहीं आपको भी देखने में पसंद आएगा। एक बात बताइए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो छोड़ के जा सकते हो, आई डोंट केयर। लेकिन नहीं यार, नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना, प्लीज़ पूरा देख के जाना। अब कुछ अपन ने इसमें ये अपने ट्रांसपेरेंट शीट चिपका दी, और अब इस पर अपन थोड़ा कोडिंग कर देंगे अच्छी वाली, ताकि बाहर से भी अच्छा दिखे, अंदर से दिखने से थोड़ी ना होता है। नहीं, चारों तरफ से कोटिंग कर दी, ये देखिए क्या चमक रहा है ना, शानदार। अब इस पर ये क्विलिंग पेपर चिपका दिया, बन गया बॉक्स, हो गया कंप्लीट। आपको अच्छा, मेरा कैमरा इससे जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर क्या करें, क्यों मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, समझ गए। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हियर इज माय अनदर वीडियोस, थैंक यू।